और खाना भी ना, खाना तो सवेरे मिलता है और चाय तो मिल जाता है। अभी करती क्या, खाती कैसे? खाती क्या, ऐसे राशन मिलता है तो अपन पिसा लेते हैं। अच्छा, हाँ तो अपने बनाते खाते हैं, और कहीं भंडारा आ गया छुट्टी मिल गई तो घर चले जाते हैं, वहाँ खा जाते हैं। जैसे खाने के बाद मिलता है 10 रुपया और? हाँ। अच्छा, कभी कभार, कभी कभार। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? वैसे तो दिक्कत कोई नहीं है, भाई यही है कि ना ठाकुर जी आएंगे, भूख के लिए भी चाहिए, तेल भी चाहिए, है ना, तो ऐसे खर्चा थोड़ा बहुत चाय भी बनाते हैं तो ऐसा खर्चा होता है। उसकी दिक्कत होती है चाय के लिए, तेल के लिए, है ना। अच्छा अच्छा, बाकी ठीक है। वैसे तो ये लोग कहते हैं कि जो भजन करने जाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि भजन करने जाते हैं उनको सिर्फ 4 रुपया मिलता है। हाँ, उसमें 4 रुपये मिलते हैं, उसमें 4 रुपये मिलते हैं। 4 रुपये ऐसा है ना, 3 घंटे का ये पैसे का है। आप तो बैठिए, नहीं आप बैठिए, हम तो बैठिए, आप मंगा कुर्सी, मंगा कुर्सी है, नहीं भैया बैठने को। ये ऐसा है कि लोग ये कहते हैं कि जो महिलाएं यहाँ हैं उनको रहने का जगह मिलता है आश्रम में, लेकिन खाने के लिए बाकी भजन करती है, और भजन करने से उनको 4 रुपया मिलता है। चार रुपया मिलता है बालाजी में, और उसी 4 रुपया में से खाना खाना पड़ता है। शाम का खाना जो है, अपना खाना पड़ता है, उसी 4 से खाना पड़ता है। किसी किसी आश्रम में दिन में खाना मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता, नहीं मिलता, ठीक है। और कोई सुविधा नहीं है ना? सुविधा नहीं है ना। अच्छा, जो लेकिन आप जो कह रही हैं वो तो ये कह रही हैं कि आपको 600 रुपये मिलता है। हाँ, हम वैसे करते हैं पेंशन से, महीनादारी के हिसाब से पेंशन करते हैं। नौकरी समझो। हाँ ठीक है, नौकरी समझो। तो 600 पेंशन मिला आपको? हाँ, सबको तो नहीं मिलता होगा ना, हम ही करते हैं, बस हो ना जाए बालाजी को कला का दिन परेशान है। 4 रुपया मिलते हैं, 4-5 घंटा मिलते हैं, परेशान है। अब शरीर कम है, बूढ़ा शरीर कमजोर। आपको पेंशन मिलता है? जी नहीं, अभी हमको 4 महीना हुआ, अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो फार्म भरा है, ना राशन कार्ड बना है, हमें कुछ भी नहीं। हमारा बेटा कुछ थोड़ा खर्चा हमको भेज रहा है, उसको बोला हमने थोड़ा खर्चा भेज दो, हम खाएंगे, हम किराया नहीं दे सकते, इसलिए हम यहाँ आके रह रहे हैं। 4 महीना हुआ, पहले हम अटल्ला चुकी पे रहते थे। तो आप जो ये है कि जब जाती है भजन करने के लिए? जी हम नहीं जाते, कहीं नहीं जाते हैं सर, हम कहीं नहीं जाते, हमारे पैर बेकार, हाथ बेकार, ये देखते। अच्छा, आप नहीं जा पाते? जी हम कहीं नहीं जाते। ठीक है, तो लड़का जो है कितना रुपया भेजता है? बस इतना है कि जो हमारा जीविका चल रहा है। रुपया बताइए ना, वो तो ऐसा बता दो ना। देखिए 1000 से ज्यादा नहीं भेजता, क्योंकि आजकल की स्थिति ठीक नहीं। ठीक है, ठीक बात है, उसमें कोई जवाब नहीं है, मतलब 1000 रुपया लड़का आपको घर से भेजता है? हाँ जी, हम नहीं जी, हाँ जी भेजता है। उसी में आप अपना जी खर्च चलाते हैं। दोपहर में यहाँ पे भोजन मिलता है तो चावल आते हैं, तो हम चावल खाते नहीं, रोटी कभी कभी नहीं आती है, 4-5 दिन से रोटी नहीं आई, कल भी नहीं आएगी, तो फिर थोड़ा दलिया बना लेते हैं, दलिया खा लेते हैं, दूध ले लेते हैं, बेटा जो पैसा बेचता है उसके दूध से कुछ अपना शाम को लिया, खा लिया। और जो अप्लाई किया पेंशन का, नहीं मिला आपको? नहीं, अभी अब तो ये तो मैडम से पूछिए क्यों नहीं मिला। नहीं नहीं मैडम, ऐसा है ना, मैडम तो सिर्फ दरखास्त बना के सरकार पास भेज देती है। अच्छा, तो सरकार जो है, सरकार तो अच्छी सरकार है जी, हाँ जी, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, हमारा तो लेकिन जो सरकार में जो काम करने वाले लोग तो उनका जो है दूसरे का तकलीफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो दूसरे का जो तकलीफ दिखाई पड़ता है जी, वो आदमी तो दूसरे की सेवा करता है। थोड़ा तो दर्द हो गया
वो जो है वो तो जो है ना मेरे स्वामी सतगुरु महाराज की जय। तो उसमें जो है कि आपका कागज बना के इन्होंने भेजा हुआ है। बैठ जाइए माता जी, माता जी बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए। जितने लोग आप रहते हैं ना तो उनसे अलग अलग बात करके और उनकी समस्या क्या है उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करें। आपकी संस्था बहुत अच्छी है, ये लड़की भी बहुत अच्छी है, लड़की खतरे चुके हैं बहुत उम्र के हैं, इस लड़की कहाँ है, सब महिला है अब तो, लेकिन यह है कि हम भी 70 वर्ष के हैं, मेरी उम्र जो है 70 वर्ष की है। अच्छा जी, हमारी ज्यादा होगी, पाँच आपकी ज्यादा है, 75 है हमारी, लेकिन शरीर गिर गया यहीं पर आके और जाता। कोई बात नहीं, अब तो माता जी होता ना, तो बहन अब तो बहन हो सकती है हमारी माँ। हाँ जी, हाँ जी, तो ये है कि जो जो प्रयास है ना, तो आपका प्रयास आपके लिए इसको पेंशन मिल रहा है। हाँ जी, आप समय पर मिले, सरकार पैसा दे, वो प्रयास करना है ताकि टाइम पर मिल जाए। आपका है कि उसको ये भेजेंगे जो भेजा है इन्होंने, उसको सरकार से जल्दी करवाना है। तो अभी एक महीने का आया, अभी अगले महीने का आया था, उनका इस महीने का आया ही नहीं, हमको कर्जे का बड़े परेशानी हो गया। तो मान लीजिए वही है कि यदि रुपया यहाँ पर ये संस्था में रुपया कुल रहे, जो कि जब तक आपने लड़का ने भेजा नहीं या देर हो गई, वो रुपया लेके आपने खर्च कर लिया जी। हाँ जी, हाँ। आप फिर जब रुपया आ गया तो फिर तो आपने वापस कर दिया। हाँ, ये बात ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी समस्या ये दूर हो सकती है। हाँ, ये दूर हो सकती है। इसमें जितने लोग रहते हैं ना उनके साथ बात करके, अब आपका तो समझ बात आ गई कि लड़का रुपया भेजता है उसी चलता है, पेंशन का कागज चला जाए गया होगा वो आपको मिल जाए, और जो राशन कार्ड होता है जो मिल जाए, उसके बाद है कि यहाँ रुपया को संस्था में ऐसा रहे जो आपको जब पैसा डिले विलम्ब हो जाए, देर हो जाए, उस बीच में पैसा आपको मिल जाए और वो अपना पैसा लेके आपने खर्च कर लिया, और जब बेटा ने रुपया भेज दिया आपको तब फिर आप उनका वापस कर दिया। यदि ऐसा हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी? हाँ, दिक्कत नहीं, लेकिन हमको बड़ा दिक्कत हुई। हाँ, वही है नहीं, हमारे इसी बात के लिए कि हम चाहते हैं ना कि देखिए सब काम सबको नहीं कर सकता, थोड़ा सा कर सकता जो कर सकता है ना, तो जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, तो तभी करेंगे जब दूसरे का दुख अपना दुख समझे। तो आदमी जो है जब दूसरे का दुख अपना समझता है वही मदद करता है, तभी वही मदद कर सकता है, और सोचता है कि हम तो मजे में हैं, दूसरा कुछ भी करे हमें क्या लगा हुआ है। अब ऐसा है बाबू, शरीर को काम करता है, ढोलक बजानी पड़ती है, नगीना बजानी पड़ती है, अब पैसा आ नहीं रहा तो क्या नौकरी ना करेंगे तो करेंगे। वही है, उसका उपाय हो सकता है, इसे एक है कि भजन करना। हमें तो भजन सुनेगी आपसे, जैसे हमें तो बचपन में, अब देखो देखो जी, हाँ देखो देखो जी, नंद की छैया जियरा लुहायो, देखो देखो जी, हाँ देखो देखो जी, नंद की छैया जियरा लुहायो, जमुना के ईरे तीरे कदम के गछिया, जमुना के ईरे तीरे कदम के गछिया, तापर बंसी बजाए, जमुना के ईरे तीरे कदम के गछिया, तापर बंसी बजाए, सखियन को ललचाए, देखो देखो जी, हाँ देखो देखो जी, नंद की छैया। Yeah.
आपने जो बोला है ना मतलब की छैया जमला की थी ऐसे हमारा भी भजन है ठीक है तो वैसे वैसे तो हमारा पंजाबी भजन है लेकिन हम उसको हिंदी में बोलते हाँ ठीक है अच्छा बोलते वारी वारी शाम बारी बारी शाम मेरा मुरली बजाए बारी बारी शाम मेरा बंसी बजाए हो बंसी बजाए देखो रास रचाए जी बंसी बजाए देखो रास रचाए जी बारी बारी शाम मेरा मुरली बजाए यमुना किनारे शाम बंसी बजाए जी यमुना किनारे शाम बंसी बजाए जी बंसी बजा के सखियां नचाए जी बंसी बजा के सखियां नचाए जी सखियां नचाए संग राधा को नचाए जी सखियां नचाए संग राधा को नचाए जी बारी बारी शाम मेरा मुरली बजाए बा बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर हो गया है जैसे तीन कड़ी का और है हाँ जी हाँ जी अभी हम लोग ऐसा है कल हम लोग उनका आश्रम पर नाम है जी हम तो बाला भी जाते ही नहीं हमने देखा ही नहीं जी तीन बजे से स्टार्ट होता था तीन बजे अच्छा आपने बांग्ला ही अभी बांग्ला बोलते पारे अच्छे खाने अपना बाड़ी से আপনি ছেলে আছে নাকি উনি পিঠা দেবেন আপনি ছেলে টাকা ভেসিয়ে খাই টাকা এমন পেনশন পাই আপনি পাই আপনি যে খাচ্ছেন দিচ্ছেন আপনি আমাদের সময় টাকা পাবেন খাবার দেয় সকালবেলা কিনা এখানে রাধে সমাপ্তমে এখানে শরীরে খাবার দেয় ওখানে ভাত ডাল দেয় সকালে নিয়ে আসে গিয়ে ওখানে খাওয়া দেয় থাকে তারপর দুপুরবেলা খেয়ে দিয়ে এখানে খায় খাবার খেয়ে এখানে আমি আসবো আপনার সঙ্গে কথা করে তারপরে কি করছে ঠিক আছে
बांग्ला में बुझी बोलते पार्टी कैसे भालो ये बोल भाल भाल बांग्ला बुझा दे तो सबू बांग्ला सबू बांग्ला प्रेम गीत आमादी के एक बार फिर बंगाली गान আপনি যে বললেন তিন মাস পরে চলে যাবেন কোথায় চলে যাবেন বাড়ি চলে যাবেন ছেলেদের কাছে ও ঠাকুমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে বাজার আছে প্রভুজি তুমি যাও দর্শন কে আছে আমার বলো জীবনে মরণে কে আছে আমার বলো জীবনে মরণে তুমি ছাড়া আমি এখানে দু বছর আছি মেদিনীপুর বহুত বাংলা লোক বলতে আমার তো বেঙ্গল এখানে আমি 34 সাল চলে গেলাম আপনি আগে আমি বালাজির সামনে আর এখানে দু বছর तो ठीक है वो जो है ना हर लोग है जो बालाजी वहाँ आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे तो बैठ के इनसे बात किया है ना हर आदमी के आज आप आ जाइए ना आप आ जाइए जो आ सकते हो आ जाइए उसमें हम चाहते क्या है ना कि जिसकी जो समस्या है ना वो समस्या कैसे निदान होगा खाली आपके पास आ गए और बात कर लिया और फिर कुछ हुआ है तो कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर कुछ दूसरा आदमी आवेगा बोलेगा कि अच्छा वो तो आदमी आया कुछ किया नहीं तो क्या बात करेगा तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ आकर के जिनका जो अलग समस्या है इनका अलग है इनका अलग है इनका अलग है आपका अलग है उनका अलग है तो बैठ करके सबका समस्या देख करके और किसका कैसे समाधान होगा वो निकालने से फिर चलेगा और तो हमको कोई परेशानी नहीं है ठीक हाँ ये जरूर है लड़का है तो ठीक है अब अजी तो लड़के तो ठीक है लेकिन आजकल कमाई नहीं है उधर हैदराबाद में है लेकिन कमाई नहीं है जो पहले होता ऐसा है ना कमाई है महाभारत में कथा है कि एक घड़ा से 7 घड़ा आता